हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार, आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। एक वीडियो यहाँ पर डाली है जहाँ पर हमने आईटी में किस तरीके से ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, बॉटम यहाँ पर बन चुका है, बार बार मैंने इसे बताया भी है, और यहाँ पर आईटी का स्टॉक्स क्यों यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं और कौन कौन से यहाँ पर बेस्ट आईटी स्टॉक्स है जो आपको यहाँ पर एक्वायर कर लेना चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए। जाके वीडियो को देखिए ताकि आपको यहाँ पर पता चले। बाकी यहाँ पर आईपीओ जो ईएमआई का आईपीओ आ रहा है उससे रिलेटेड हमने बातें करी है, और मैं आपको पिछले 3 महीने में आप कह सकते हैं कि मैंने आपको जितने भी स्टॉक्स बताए हैं मोस्टली यहाँ पर भागते हुए नजर आया है, और मोस्टली जितने छोटे स्टॉक्स बताए हैं उनमें पैसा बनता है। देखिए, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है तो पैसा कहाँ बनेगा? पैसा या तो स्मॉल कैप में बनेगा, ओके, या फिर आपका पैसा बनेगा मिड कैप में, ओके। तो यहाँ पर ये दो, अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है तो यहाँ पर ये दो पर्टिकुलर सेगमेंट, मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप, यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो मैं अगर आपको दिखाऊं, देखिए ना, टीसीएस ने रिजल्ट अच्छे रिटर्न दिए है, ना इंफोसिस ने दिए है, ना एससीएल ने दिए है, ना अगर बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर ने दिए है, और ना ही दूसरी आईटी बड़ी जो बड़ी बड़ी फंडामेंटल निफ्टी 50 कंपनी है उन्होंने अच्छे खासे रिटर्न दिए, एक आध को छोड़ के। तो अगर हम यहाँ पर देखें पैसा कहाँ बना है, स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा बना है, भर भर के बना है, पहले भी बन रहा था, अब दोबारा बन रहा है, बैक टू बैक बन रहा है, और कुछ स्टॉक्स मैंने यहाँ पर चुन के आपको यहाँ पर दिए थे, उन्हीं का रिव्यू करेंगे और क्या उन स्टॉक्स को अब लेना चाहिए उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम आपको वीडियो डालें आपको मिले, और सीखते रहिए। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, जितना हो सके प्यार देने की कोशिश करें, सपोर्ट करिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर 10,000 तक, जो हमारा टारगेट है अगले महीने, वो यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आए। तो एक एक करके यहाँ पर सबसे पहले उन स्टॉक्स की लिस्ट निकालते हैं, ओके। मैंने यहाँ पर देखिए, मैं अपने चैनल पर जाऊंगा और कहीं नहीं जा रहा, 3 मंथ्स पहले मैंने 2 स्टॉक्स बताए थे, 2 स्टॉक्स अंडर 100 रुपीज, मतलब 100 रुपए के नीचे 2 स्टॉक्स जो माइक्रो कैप फार्मा स्टॉक्स है, ओके, दोनों फार्मा स्टॉक्स बताए थे। एक है कौन सा, सुनील हेल्थ केयर, दूसरा कौन सा बताया, दूसरा मैंने बताया था सुमिको मेडिको रेमेडीज। तो हम एक एक करके दोनों का यहाँ पर रिव्यू करेंगे। सबसे पहले मेडिको रेमेडीज ले लेते हैं, मेडिको रेमेडीज हमने यहाँ पर ये पर्टिकुलर शेयर को 90 रुपीज के आसपास मैंने खुद बाई किया था, तो मुझे पता है इस शेयर को यहाँ पर हमने क्या किया था, रिकमेंड किया था, और रिकमेंड करने के बाद यहाँ पर जब ये शेयर था कितने रुपए का, 3 महीने पहले 90 रुपीज के आसपास चल रहा था, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस शेयर ने क्या धूम मचाई है, ओके। और धूम मचाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रिटर्न है 92 से यहाँ पर 63% के रिटर्न विद इन 3 मंथ्स यहाँ पर मिलते हुए नजर आए हैं। तो ये क्या है कि हम यहाँ पर जो स्टॉक्स बता रहे हैं, जैसे मेडिको रेमेडीज ने कितने परसेंट के रिटर्न दिए, 63% के रिटर्न दिए। हमने यहाँ पर सनलॉक बताया, उसी में देखिए यहाँ पर मैं ज्यादा लंबा नहीं, मैंने ये सनलॉक तो मैंने आपको 1 साल पहले ही बताया था, 4 महीने पहले ही बताया था, और तब से यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 400% के रिटर्न बन चुके हैं। तो किस स्टडी के बेस पे बने, और यहाँ पर देखिए 3 महीने में, पहले बनाई थी सुनील हेल्थ केयर, तो सुनील हेल्थ केयर दोबारा ले लिया, तो 3 महीने पहले जब यहाँ पर वीडियो बनाई थी ये शेयर यहाँ पर चल रहा था 68 रुपीज के आसपास चल रहा था, यहाँ पर भी देख लीजिए 68 रुपीज का स्टॉक्स है, टारगेट भी दिए थे 150 रुपए के, और टारगेट कितने टाइम में, थोड़े से टाइम में यहाँ पर टारगेट भी अचीव होते दिखाई दिए, 68 मतलब यहाँ पर ये शेयर चल रहा था, और इसके बाद आप देख सकते हैं ये है आपके सामने रिजल्ट, ओके। यहाँ से यहाँ तक लगभग कितने, 147 नहीं, मोर देन 147 के रिटर्न आपको मिलते हुए नजर आए, 150% के रिटर्न, बेहतरीन रिटर्न मिलते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा मैं आपको एक एक करके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। यहाँ पर कल्याण ज्वेलरी, ओके, इस स्टॉक से रिलेटेड हमने यहाँ पर बातें करी थी, यहाँ पर कुछ टाइम, कुछ महीने पहले ही बात करी थी मैंने कल्याण, एक मिनट दीजिए, ओके, एक मिनट। तो देखिए, मैं क्योंकि ये शेयर मैंने यहाँ पर लिया था कल्याण ज्वेलरी, तो इसलिए मुझे याद है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने शेयर लिया था 66 रुपीज पे, और 66 रुपीज वाला स्टॉक कैसे यहाँ पर 51 और 52% के रिटर्न दे देता है, ओके, वो भी हमें यहाँ पर देखना होगा। तो यहाँ पर आप जाएंगे वीडियोस पे तो यहाँ पर मिल जाना चाहिए कल्याण ज्वेलरी, कुछ अलग लिखा होगा शायद, इस वजह से यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ओके। अदरवाइज ये स्टॉक्स यहाँ पर बताया गया था, और यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये स्टॉक्स मैंने लिया था तो मुझे याद है,
यहाँ पर इसने कितने 51% के रिटर्न, इवन मेरे मैंने अपने क्लाइंट को भी दिखाया था, और 51% के रिटर्न यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं कितने टाइम में, 5 से 6 महीने के अंदर अंदर। इसके अलावा हमने एक स्टॉक्स और बताया था जिसका नाम है एमसुमी। एमसुमी के बारे में तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, मेदर सुमी वायर, यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा। कुछ और नाम से मैंने ये वीडियो डाली होगी तो शायद नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए एमसुमी। एमसुमी अभी कुछ टाइम पहले भी बताया, इससे पहले भी मैंने आपको एमसुमी बताया था, यहाँ पर देख सकते हैं वायरिंग का बिजनेस, ओके 6 महीने पहले ही बताया था, और उसके बाद से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये रिटर्न बनते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर आप देखिए अगर हम यहाँ पर से लेते हैं तो यहाँ पर भी कितने 57-58% के रिटर्न बनते हुए दिखाई दिए, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले यहाँ पर एक स्टॉक्स और बताया था, न्यूलैंड लेबोरेटरीज, ओके बिल्कुल नीचे के लेवल से दिखाया था न्यूलैंड। देखिए ये भी 2 मंथ्स पहले वीडियो बनाई है, ओके 150% के रिटर्न की अपॉर्चुनिटी है, ओके न्यूलैंड यहाँ पर 1 महीने पहले भी बार बार बताया, और न्यूलैंड भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस स्टॉक्स ने यहाँ पर धमाल मचाया और कितने परसेंट के रिटर्न देते हुए नजर आया। ये शेयर अभी तक सॉरी ये शेयर अच्छे खासे रिटर्न आपको यहाँ पर देता हुआ नजर आया, मोर देन 30% के रिटर्न हमें यहाँ पर मिलते हुए नजर आए है, और क्या विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो ये किस वजह से हुआ है वो जानने के लिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारा एक कोर्स लॉन्च हुआ है जहाँ पर हम टेक्निकल और रिसर्च को किस कैसे हम उन स्टॉक्स का डेटा निकाल के रिसर्च करते हैं, वो एसेट एलोकेशन, फंडामेंटल एनालिसिस, मनी मैनेजमेंट, फ्यूचर ऑफ इंडियन स्टॉक्स मार्केट, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, कैश डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट, सब कुछ 1-to-1 पर्सनल क्लासेस में एज वेल एज बैचेस में सिखाया जा रहा है। जाके एनरोल करिए, पूरा कोर्स कराया जाएगा, 3 मंथ्स की प्रैक्टिस लर्निंग कराई जाएगी, स्ट्रेटेजी यूज इन स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट्स दिए जाएंगे, ये नीचे नंबर दे रखे हैं, जाके आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ओके और यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें, एक वीडियो भी बनाई है, जाके आप देखिए सीखिए। अगर सीखना है इस तरीके के स्टॉक्स को चुनना है और इस तरीके के रिटर्न आपको अगर पाने हैं तो ऑब्वियसली बात है सीखना पड़ेगा, और इतने सस्ते में कोई नहीं सिखा रहा, क्योंकि इस एक एक कोर्स की फीस लोग 18,000, 20,000, 50,000 रुपये लेके जाते हैं। मैं आपको सब कुछ इस पर्टिकुलर प्राइस पे यहाँ पर सिखाता हुआ नजर आ रहा हूँ। तो देखिए ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं, अब एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं कि आगे क्या होके क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस पे आके चीजें यहाँ पर नीचे आ गई, और रेजिस्टेंस कैसे बना, कैसे यहाँ पर खींचा, किस तरीके से 1 मिनट में रेजिस्टेंस निकल जाता है, किस तरीके से 1 मिनट में सपोर्ट निकल जाता है, वो हम यहाँ पर क्लास में बात करेंगे, और काफी बार यहाँ पर बातें भी करी है। तो चीजें यहाँ पर आके चुपचाप नीचे आई है, ओके यहाँ पर देखिए अगर इस पर्टिकुलर लाइन से चीजें नीचे आ जाती है तो चीजें थोड़ी सी और बेकार हो सकती है, और 1200 के आसपास यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे सकता है, और जैसे ही इस पर्टिकुलर लाइन से ऊपर जाएगा तो शेयर यहाँ पर अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न काइंड ऑफ ये बनाता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी अगर टारगेट की बात करें तो एक अच्छे खासे यहाँ पर आपको टारगेट भी मिलते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 1900% के यहाँ पर क्या सॉरी 30% का और ये यहाँ पर जंप आ सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलरी की, तो कल्याण ज्वेलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगेन ये स्टॉक्स ने आज ब्रेकआउट दिया, बट यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, तो कैसे ये फॉल्स ब्रेकआउट पकड़ना है वो भी यहाँ पर सिखाया जाएगा जब यहाँ पर हम टेक्निकल से रिलेटेड बातें करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पर्टिकुलर शेयर अच्छा खासा ऊपर गया है, जब तक इस पर्टिकुलर लाइन मतलब 103 के ऊपर नहीं जाता बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो हो सकता है ये चीज दोबारा आके लगभग 85 रुपीज पे आए, तो टच करने के बाद फिर दोबारा ये यहाँ से भागती हुई दिखाई दे। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पर देख के आपको यहाँ पर जज करना है चीजें, और अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे आई तो चीजें और ज्यादा नीचे आ सकती है, तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए। इसके अलावा बात करेंगे सनलॉक की, सनलॉक बेहतरीन स्टॉक्स है नो डाउट, ओके यहाँ पर इसके अब डेटा को दोबारा यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा किस तरीके से ये काम कर रहा है, ऑलरेडी 400% के रिटर्न दे चुका है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ से नीचे आ रहा है, एक बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पर भी इसने क्रिएट कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 118 रुपए के आसपास का सपोर्ट लगा के आप यहाँ पर पैसे ले सकते हैं, बट यहाँ पर हो सकता है कि चीजें दोबारा यहाँ पर आए और आने के बाद टच करके दोबारा नीचे जाए और शायद और गिरती हुई नजर आए, क्यों, क्योंकि शेयर ऑलरेडी यहाँ पर बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर दे चुका है। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर जाता है यहाँ पर डेटा में और यहाँ पर ट्रिमेंडस चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पर शेयर और ऊपर जा सकता है, और किस तरीके से डेटा पढ़ना है यहाँ पर जब रिसर्च एनालिसिस की क्लास होगी यहाँ पर बताया जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे मेडिको की, ओके मेडिको रेमेडीज के थोड़े से मुझे यहाँ पर डेटा सही नहीं लग रहे हैं,
स्टिल इस बार के डेटा देखेंगे फिर यहाँ पर डिसाइड करेंगे, बट ऑलरेडी यहाँ पर अच्छे रिटर्न दे चुका है। स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर काम कर सकते हैं, और वो भी स्टॉप लॉस कितना, या तो यहाँ पर लगा सकते हैं 139 138 के आसपास, और चीजें नीचे आती है तो यहाँ पर फिर और शायद चीजें गिर सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान में यहाँ पर रखना है। और अगर हम बात करें एम सोमी वायर भी एक बेहतरीन शेयर है, नो डाउट बेहतरीन रिटर्न दी है। ओके इस ये शेयर तो आप लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से अपने पोर्टफोलियो में रखो तो पैसा बनेगा, मैंने रख रखा है अपने पोर्टफोलियो में इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये पर्टिकुलर जब तक शेयर यहाँ से ना निकले इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो आपको तेजी करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से निकला तो और तेजी होती हुई दिखाई देगी, बट यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के करना है काम। सबसे पहले स्टॉप लॉस इसको देख सकते हैं 88 रुपये, दूसरा स्टॉप लॉस आपको 82 रुपये का देना पड़ेगा। चीजें यहाँ से गिरती है तो बेकार हो सकती है, बट यहाँ से भागती है तो और अच्छा पैसा बन सकता है, या फिर कंसोलिडेट करके चीजें भागती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जिस बिजनेस में है, जिस तरीके के काम हो रहे हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, इस पर्टिकुलर बिजनेस में एक बेहतरीन यहाँ पर स्टॉक्स नजर आता है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया है, ये बताया है कि किस तरीके से हमने यहाँ पर ये स्टॉक्स को बाय किया, बाय करने के बाद यहाँ पर रिटर्न्स बनते हुए नजर आए, और छोटे थोड़े बहुत नहीं बहुत बेहतरीन रिटर्न बनते हुए नजर आए। ना TCS ने दिए, ना HDFC ने दिए, ना किसी ने दिए, बट इन स्टॉक्स ने दिए। तो किस वजह से यहाँ पर स्टॉक्स ने रिटर्न दिए, क्या डेटा हमने ऐसा इनका पढ़ा था कि इन्होंने इतने रिटर्न्स दिए, क्या टेक्निकल ऐसे होते हुए नजर आ रहे थे कि इन्होंने इस तरीके के रिटर्न दिए, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एनरोल करना है। ओके इन पर्टिकुलर नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करिए, मुझसे बात करिए, कोर्स के बारे में जान लीजिए। ऑनलाइन यहाँ पर क्लासेस होगी, कहीं किसी भी स्टेट पैन इंडिया यहाँ पर आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके और यहाँ पर अच्छे खासे डिटेल्स मिल सकती है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, सपोर्ट करिएगा, थैंक यू।